दोस्तों, अगर आप यह सोच रहे होंगे कि कैसे टिकट को बुक किया जाए, किस समय पे टिकट को बुक किया जाए जिससे हमेशा कंफर्म टिकट मिले, तो आपको मैं बता दूं कि आपको कैसे टिकट को बुक करना है और किस समय पे टिकट को बुक करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि 120 दिन के अंदर में आप कभी भी टिकट को बुक कर सकते हैं। वहीं अगर आप 120 दिन के अंदर में टिकट को बुक करते हैं, समय से टिकट को बुक करते हैं, तो आपका टिकट 100% कन्फर्म होगा और आपको सीट मिलेगी, जिससे यात्रा करने में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आज सैटरडे 10 जून है और मुझे टिकट बुक करना है अक्टूबर को, यानी कि अक्टूबर में 8 तारीख को, तो यहाँ पे आसानी से टिकट बुक हो जाएगा। यानी अक्टूबर में 10 तारीख तक मैं टिकट को बुक कर सकता हूँ, क्योंकि 120 दिन के अंदर में यह आ रहा है, तो मैं आसानी से टिकट को बुक कर सकता हूँ। वहीं इसके बाद का टिकट मैं ढूंढूंगा तो कभी नहीं मिलेगा, या आप ऑनलाइन ले या काउंटर से ले। आपको हमेशा 120 दिन के अंदर का टिकट दिया जाता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन नहीं मिलेगा और काउंटर से जाऊंगा तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, सेम प्रोसेस रहता है। ऑनलाइन लीजिए या ऑफलाइन लीजिए, काउंटर से जाके लीजिए। तो आपको मैं बता दूं कि 8 अक्टूबर को मैं टिकट ले रहा हूं, चाहूं तो 10 अक्टूबर का भी टिकट ले सकता हूं, लेकिन मुझे 8 अक्टूबर को सफर करना है, तो मैं अपना टिकट 120 दिन पहले यानी कि 8 अक्टूबर को ले रहा हूं। यहां पे आप लोग देख रहे हैं, मैं शपथ क्रांति का टिकट ले रहा हूं, मुझे दिल्ली से सुगौली के लिए जाना है। तो कुछ इस प्रकार से टिकट को मैं ले रहा हूं, जिससे मेरा थर्ड एसी में कंफर्म सीट मिल रहा है और आसानी से मैं यात्रा कर सकता हूं। अगर आप भी हमेशा यात्रा करते हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिए और आपको कैसे टिकट बुक करना है आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी।